मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। सबसे पहले आपको एक जरूरी सूचना बता दें कि मुंब्रा के शंकर मंदिर अंबेडकर नगर धाना झिपाटी चाल में रहने वाला एक 12 साल का बच्चा राज चौरसिया 15 अप्रैल की शाम से ही घर से लापता है। अगर किसी को भी इस बच्चे के बारे में जानकारी मिले तो बच्चे के पिता राजेश चौरसिया को इसकी जानकारी दे सकते हैं, जिनका मोबाइल नंबर है 8652059335। नंबर एक बार और सुन ले, 8652059335, या फिर आप नजदीकी पुलिस स्टेशन में भी इसकी जानकारी दे सकते हैं। फर्स्ट चॉइस किड्स वेयर, रमजान स्पेशल ऑफर अप टू 40% डिस्काउंट के साथ। ईद रिलेटेड कलेक्शन में हलीमा सुल्तान, करारा पम्पलम गाउन, वॉइस फुल सूट, वेस्टर्न आउटफिट और भी बेहतर सर्विस, प्रीमियम क्वालिटी, सबसे सस्ता और अच्छा। रमजान में आपकी फेवरेट शॉपिंग की चॉइस सिर्फ फर्स्ट चॉइस किड्स है। लॉकडाउन की वजह से दुकान बंद है, आप नीचे दिए नंबर पर कॉल करके ऑर्डर दे सकते हैं। थाने महानगर पालिका ने कल डीजी वन शोरूम पर कार्रवाई कर इसे बंद करने को कहा था, मगर आज फिर डीजी वन शोरूम खुला रहा और अंदर कस्टमर भी मौजूद रहे। वहीं राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन में भी मनपा ने कार्रवाई की और सिर्फ सब्जी फ्रूट के दुकानें खुले रहने को कहा और चप्पल कपड़ों की दुकानों को बंद करवा दिया गया। मुंब्रा में नियम तो लागू होने के बावजूद भी कुछ लोग जिन दुकानों को बंद रखना है उन दुकानों को खोल रखे हैं। ऐसे में जो लोग नियम का पालन कर रहे हैं और अपनी दुकानें बंद रखे हैं, वो लोग बार बार सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्यों कोई दुकान खोल रहा है और क्यों किसी की दुकानें बंद किया जा रहा है। ठाणे महानगर पालिका आखिर खुली हुई दुकानों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। आपको बता दें कि सब्जी फ्रूट किराना स्टोर मेडिकल स्टोर दूध की दुकानें खुली रहेंगी, मगर जिस तरह से डीजी वन शोरूम कल खुला हुआ था और ठाणे महानगर पालिका के कर्मचारी और मुंब्रा पुलिस के पुलिसकर्मियों ने प्यार से ही समझाया था कि शोरूम बंद रखा जाए, मगर आज फिर ये शोरूम खुला था और मनपा कर्मचारियों ने बताया कि आज फिर डीजी वन शोरूम पर कार्रवाई की गई। मास्क न लगाने की वजह से फाइन 1000 रुपये का लिया गया और दूसरी बार इन्हें समझा बुझा कर इनका शोरूम बंद कराया गया है। अगर इनका शोरूम खुला मिला अब तो इन्हें सील कर दिया जाएगा। वहीं ठाणे महानगर पालिका के एक कर्मचारी ने यह भी बताया कि दुकानदारों पर आज जो कार्रवाई की गई है इसमें करीब 11,500 रुपये की वसूली की गई है। तो किस तरह से आज फिर ठाणे महानगर पालिका के कर्मचारियों ने मुंब्रा के दुकानदारों पर कार्रवाई की है देखिए। कल बोल के अभी 10 मिनट पहले बोल ये सब स्विच और ये बंद रखो ना, ये सब चालू रहता है। कौन बोला है टीवी वगैरह का सब बंद है? होटल बंद है सर, सेल भी बाहर से टोटल बंद है। लोग के लोग पता है इधर बुला उनको और तो खाएगा मैं कल बोल के गया आज नहीं बोलेगा अहो सर आम्ही जर सील करून घेऊन गेलो तर तुम्हाला जास्त पावती लागेल हा हां म्हणून आता तुम्हाला तुमची जी प्रोसिजर जर पूर्ण करा लाईट बंद करून बाहेर निघा लाईट बंद करून निघा आता पुढे उनका स्टाफ देखो उनको स्टाफ देखो खाला कितनी सारे ना बोलो आप
ये कारण काम है कि ताली चुना